कोरोना महामारी के दौर में नगर निगम शिमला ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम शिमला ने एक तरफ जहां शहर के घरवालियों को कूड़े के बिलों पर सरचार्ज न लगाने का फैसला लिया है, वहीं कोरोना वायरस से अस्पतालों में मरने वाले मरीजों का दाह संस्कार करने के लिए 4 कर्मचारी तैनात किए हैं, जिन्हें एमसी शिमला 2,000 रुपए प्रति शव देगी। नगर निगम शिमला की वर्चुअल मासिक बैठक में 3 ही मुद्दों पर चर्चा हुई। मासिक बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। एमसी शिमला मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार नगर निगम शिमला की मासिक बैठक वर्चुअल माध्यम से की गई है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान एमसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। आपदा नियम के तहत शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 कर्मचारी तैनात किए। मेयर ने बताया कि कोरोना महामारी से इस बार सैकड़ों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है, मरीजों को उठाने के लिए परिजन भी कतरा रहे हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन नियम के तहत एसओपी जारी की गई है, जिसमें स्थानीय निकायों को अस्पतालों में मरने वाले मरीजों का दाह संस्कार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत एमसी शिमला ने 4 कर्मचारी तैनात किए हैं। इनमें से 2 कर्मचारी अस्पतालों में और 2 कर्मचारी शमशान घाट में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान एमसी के कर्मचारियों सैनिटाइजेशन से लेकर घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एमसी के एक सहायक कर्मचारी की मौत हुई है, जिसे आर्थिक तौर पर एमसी ने 1,00,000 रुपए की राशि दी है। इसके अलावा मृतक की पत्नी को करना मूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा फ्रंटलाइनर घोषित किए जाने के बाद मृतक का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। मासिक बैठक में लालपानी एसटीपी प्लांट को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। साधारण बैठक थी जो ऑनलाइन हुई, जिसमें सारे हमारे पार्षद भी जुड़े थे और हमारे मंत्री जी भी इसमें जुड़े थे। और आज हमारे पास एजेंडा सिर्फ छोटा सा एजेंडा था, जिसमें 3 एक आइटम थी। एक ये था कि जो हम लोगों को कूड़े के बिल भेज रहे हैं, इसमें हम जो है जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सरचार्ज नहीं देंगे। दूसरा एक हमारा होता था कि जो लाल पानी में एसटीपी का जो प्लांट है उसको मेंटेन करना है, वो भी होता था, उसके लिए हमें आज और से सभी की चिट्ठी है कि उसको मेंटेन किया जाए। और दूसरा ये था कि जो सनोरन से या रिपन हॉस्पिटल से जो भी डेड बॉडी लेके जाते हैं और शमशान घाट पे पहुँचाते हैं, उनको जो है नगर निगम 2,000 रुपया सेंटी देंगे, तो ये भी आज हमने हाउस से पास किया है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।